हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कहोगे इंडियन एयरफोर्स का। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो ऑफिशियल साइट पे नहीं आई है, बट हर साल की तरह फिर से जो नोटिफिकेशन है वायरल हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट पर डाला है वाटर मार्क के साथ में, तो हमको भी वैसे मिल गया, बच्चे ने भेजा। और ये देखो, ये चीज़ है बिल्कुल भी जेन्यून है, ठीक है, इसको फेक मत समझना। हर साल का ये सीन है, ठीक है, कि पहले नोटिफिकेशन आउट हो जाता है फिर ऑफिशियल साइट पे बाद में आता है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी कब आनी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कोस्ट गार्ड का भी बता लो, कोस्ट गार्ड का आज शाम तक मैं अपडेट देता हूँ क्या सीन है अच्छे से। देखो एक्चुअली मैंने कहा था ना कि यूट्यूब से मैं बहुत दिन से बाहर था और बीच में थोड़ी तबीयत भी बिगड़ गई, तो इसकी वजह से और भी बाहर है, तो मैंने इस सब चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च बंद कर दिया था। आज शाम तक कोस्ट गार्ड पे भी अपडेट देता हूँ, वेट करो। तो देखो अभी जो ये भर्ती है आपकी आ चुकी है, नो डाउट ये 27 जुलाई से 17 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होगा, 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसकी तैयारी में लग जाओ। तैयारी की बारे में बात करें, अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आप कहीं मत जाओ, ए टू जेड स्टडी ऐप पे कंप्लीट तैयारी आपको हो जाएगी। अभी बहुत टाइम है अक्टूबर में, आप अपने लाइफ के लिए 600 रुपये पे करो, 600 रुपये में 01/2024 बैच के लिए आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस है आपको जितना 8 महीने तक आपके पास रहेंगी, जितना मन उतना बार देखो और समझते रहो। और इस कंप्लीट क्लास के अंदर आपको वीडियोज तो मिलेंगी ही, टेस्ट सीरीज भी अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, और हमारी जो पेड PDF आती है वो भी अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, इसी के अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है। और आपको पिछली बैच का तो पता ही है हमने कितना रिजल्ट दिया था, और 02/2023 बैच में बहुत सारे बच्चे ना जो थे छटपटा रहे थे, सर तैयारी आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, मैं चुपचाप रहा। बट जब रिजल्ट आया था वो कहते सर देखो मेरे इतने मार्क्स आ गए, मेरा रिजल्ट हो गया। मैंने फिर कहा और बताओ, छटपटाने से कोई फायदा हुआ? तो फिर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि ठीक है जितना आप पढ़ाते हो उतना सफिशियंट होता है। तो मैं कह रहा हूँ इधर उधर भटको मत, लाइफ में 600 रुपए पे करो, इसके बाद आपको कुछ अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा एयरफोर्स के लिए। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से बाई करना है, व्हाट्सअप करोगे बता दिया जाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी कंप्लीट एलिजिबिलिटी वगैरह पे बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फिलअप होगा, क्लियर हो गया आपको कि 27 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, 13 अक्टूबर से परीक्षा है आपकी। अब डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि 27 जून 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2006 और ये दोनों डेट, इनके बीच में और ये दोनों डेट के बीच में जो आ रहे हैं उनका फॉर्म फिलअप हो पाएगा। तो ध्यान देना 27 जून 2003 और उसके बाद के सारे लोग, और 27 दिसंबर 2006 और उससे पहले वाले लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो डेट है आपका ध्यान में रख के चलना, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है कि इसमें हर चीज़ वही है पुराना वाला। अब एक चीज़ है ना, मैं बताता हूँ आपको, फिजिकल से लेके पिछली बार फिजिकल में थोड़ा सा चेंज हुआ था, 6.5 मिनट से डायरेक्टली वो लोग 7 मिनट देने लगे थे रनिंग के लिए। इस बार क्या सीन है वो चीज़ आप थोड़ा सा समझ लो, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो फिजिकल भी सेम चीज़ है, ईजी कर दिया गया पहले से 7 मिनट में लड़कों को और 8 मिनट में लड़कियों को, ठीक है। तो ये जो सीन है ईजी है, बाकी सेम फिजिकल का प्रोसेस रहेगा जो आपका मेल कैंडिडेट का था। आपको 1 मिनट में 10 पुशअप, 1 मिनट में 10 सिटअप्स, 1 मिनट में 20 स्क्वैट्स करने होंगे। और गर्ल्स कैंडिडेट्स को आपको 1.5 मिनट के अंदर 10 सिटअप्स, 1 मिनट के अंदर 15 स्क्वैट्स करने, ठीक है। ये तो फिजिकल का सीन है, बट जनाब अभी थोड़ा सा हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अब सवाल आता है वाई ग्रुप से कौन कौन फिल कर पाएंगे। वाई ग्रुप से 12th पास कोई भी बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो। बट सुनो, एक चीज़ वो है ना कि वो वाई ग्रुप को अदर देन साइंस कहा जाता है। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान रखना आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, और ओवरऑल 50% मार्क्स, और इंग्लिश में जो भी इंग्लिश है आपका, चाहे वो 50 नंबर वाला इंग्लिश हो, चाहे 100 नंबर वाला इंग्लिश हो, चाहे 150 नंबर वाला इंग्लिश हो, 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए।
अगर 100 नंबर का पेपर है इंग्लिश का, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है, तो कम से कम 50 नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके 50 नंबर वाले ही इंग्लिश है, आर्ट्स वाले होते ना 50 मार्क्स वाले, तो आपके 25 मार्क्स होने चाहिए। तो ये जो सीन है आपका होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल आपके 50% भी होने चाहिए इंटर के अंदर, ठीक है। अब एक्स ग्रुप के बारे में बात कर ले, जिसको हम लोग साइंस सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर्म फिलअप के टाइम पे ध्यान देना, अगर कोई साइंस सब्जेक्ट आपका दे रहा है रिसिप्ट के ऊपर, तो समझ लेना उसने एक्स से फिल कर दिया है। अगर अदर देन साइंस कहा होगा तो वाई से, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस होगा तो आपने एक्स एंड वाई दोनों से फिल करा होगा। अब वो देखो, साइंस मतलब एक्स ग्रुप से वही फिल कर पाएंगे जो कि ट्वेल्थ में उनके पास 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50%, साथ ही साथ वो साइंस वाले होने चाहिए। पहली बात तो उनके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अब साइंस में भी कुछ लोग बायो ले लेते हैं, तो बायो वाले फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक्स ग्रुप का। हाँ, अगर मैथमेटिक्स भी है तो आप फिल कर पाओगे, बायो के साथ साथ मैथमेटिक्स भी है आपका ट्वेल्थ में, तो आप फिल कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो सीन है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज होंगे जिनको हाइट को लेके प्रॉब्लम आता है, कि सर हाइट के बारे में बताओ। देखो, ओवरऑल कहीं के भी हो, अगर आप मेल हो, अगर 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर के हो, जो कि एक नॉर्मल हाइट है, सबका होता ही होगा, रेयर लोगों का इससे कम होता है, तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आप कैंडिडेट हो गर्ल, ठीक है, तो आपके मिनिमम 152 cms होने चाहिए, मतलब 0.5 का है यार मेल एंड फीमेल का, वो इज 152.5, गर्ल्स 152 cms, ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम रखा गया है। फिर भी अगर उसमें से गर्ल्स कोई ऐसी हैं जो कि हिली रीजन से है, जैसे उत्तराखंड, ये तो वो सभी 147 अगर है, अगर हाइट आपकी, तो आप एक्सेप्टेबल हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट से हो आप, तो भी आपका 147 अगर हाइट है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और अगर आप लक्षद्वीप से हो तो फिर आपका 150 cms होगा तो चलेगा, लक्षद्वीप वालों को 150 cms मांगा गया, ठीक है। और हिली रीजन से जो है आपको 147, बट जनरली यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, या फिर ओवरऑल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम हिली स्टेट को छोड़ दें तो आपको 152 cms गर्ल्स की चाहिए, और मेल की 152.5 चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, चेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है 5 cms होना चाहिए, तो ठीक है, वो 5 cms एक्सपेंड करना चाहिए। अब आपकी चेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, 80 होगा, 78 होगा, वो लिमिट नहीं, बस 5 cms आपका एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये सभी चीज़ें जो है वो है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके हम सिलेबस के बारे में बात कर ले रहे हैं, सिलेबस में क्या होगा। तो देखो गाइस, सिलेबस एक सिंपल सा इसका है, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिलेबस जो है वाई ग्रुप का हो चाहे एक्स ग्रुप का हो, बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में भी गिवन है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं पहले साइंस सब्जेक्ट का, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है चाहे आप एक्स के हो चाहे वाई के, तो साइंस का मतलब होता है एक्स ग्रुप। तो आपको 60 मिनट्स के पेपर होंगे, जिसमें आपके फिजिक्स होंगे, मैथमेटिक्स होंगे और इंग्लिश होंगे। सबके लिए आपको 20-20 मिनट दिया जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए 20 मिनट, फिजिक्स के लिए 20 मिनट और आपके इंग्लिश के लिए 20 मिनट। तो एक चीज़ और ध्यान देना होगा, ये 20-20 मिनट कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, अगर आपके मैथ के 20 मिनट कंप्लीट हो गए तो वो मैथ खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा मैथ नहीं दिखेगा। फिजिक्स के 20 मिनट खत्म हो गए तो फिर दोबारा फिजिक्स नहीं देख पाओगे, इंग्लिश के 20 मिनट खत्म हो गए तो फिर आप दोबारा इंग्लिश नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये जो सीन है थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 25 फिजिक्स, 25 मैथ होता है और इंग्लिश होता है 20 होता है, कुछ इस तरीके से रहा आपका। वहीं पे अदर देन साइंस के लिए टोटल 45 मिनट दिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश और रागा होता है, इंग्लिश भी आपका होता है 20 मिनट के 20 क्वेश्चंस, बाकी के जो 25 मिनट हुए आपको 30 रागा के क्वेश्चंस के लिए दिए जाते हैं। रागा के अंदर एक चीज जो बच्चों को नहीं पता होता है, वो सोचते हैं रागा का मतलब रीजनिंग और जी के, ऐसा नहीं है। इन्होंने लिखा है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, बट ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ मैथमेटिक्स भी दिए जाते हैं, तो आपको मैथ भी पढ़ना है। मैथ कौन? जनरल कंपटीशन वाले वाई ग्रुप के लिए। और साइंस मतलब एक्स ग्रुप का मैथ कौन? वो होता है ट्वेल्थ लेवल का। फिजिक्स कौन? ट्वेल्थ लेवल का। लेकिन जो वाई ग्रुप का अदर देन साइंस का हुआ वो मैथ होता है आपका ये,
जनरल कंपटीशन वाले जो हमारे कोर्सेज में वाई ग्रुप में कंप्लीट चीजें पढ़ाई जाएंगी, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सब कुछ, वोकैबुलरी वगैरह सब कुछ दी जाएगी, ठीक है, जो कि ए टू जेड स्टडी ऐप पे होता है। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब वहीं पे अगर मान लेते हैं अगर आप एक्स एंड वाई दोनों के लिए फिल करते हो तो उस सिचुएशन में आपको टोटल मिलेंगे 85 मिनट्स। 85 मिनट्स में क्या क्या होगा? 85 मिनट्स में आपके इंग्लिश होंगे, मैथ होंगे, फिजिक्स होंगे, फिर आपका रागा भी होगा, ठीक है। ये सबका टाइम अलग 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 होगा। इसके लिए 20 मिनट, इसके लिए 20 मिनट, फिजिक्स के लिए 20 मिनट और रागा के लिए 25 मिनट, और सबका सेपरेट सेपरेट टाइम दिया रहेगा। एक सेक्शन खत्म हो गया तो दोबारा आप उसको ओपन करके नहीं देख पाओगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 का, पता होगा आपको। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके सही नंबर्स में से भी, मार्क्स में से भी 0.25 मार्क्स कटेंगे। कहने का मतलब आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो अगर आपने 10 स्कोर कर रखा है तो एक मार्क्स सही में से भी कट के 9 नंबर ही मिलता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर एग्जाम में हो रहा है आजकल, ये SSC वगैरह शुरू से पूछता है, ये सभी चीज़ों को फॉलो करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने वाली चीज़ नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है। कोस्ट गार्ड को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट इधर सारे एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग है ही, डिफेंस में, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहे। एयरफोर्स तो खैर शुरू से निगेटिव मार्किंग नहीं था, स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन हुआ था उस टाइम निगेटिव मार्किंग नहीं था, बट बाद में इसको निगेटिव मार्किंग किया, जब से आपकी उम्र हुई है तब से निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये जो सीन है, ठीक है, चलो हो गया। अब तो देखो जनाब, आपको फिल करना होगा, जब करना होगा agnipathvayu.cdec.in। ये आपका स्टेज वन का मैंने सिलेबस बता दिया। स्टेज वन मतलब ऑनलाइन एग्जाम। फिर फेज टू में आप जाते हो तो फेज टू में आपको क्या करना होता है वो तो बाद की चीज़ है। रनिंग और ग्रुप डिस्कशन एक्स एंड वाई दोनों का होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, स्टेज वन क्लियर कर लोगे, तब हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जाने से पहले फिर से याद दिला दो, आप जाओ वाई ग्रुप की कंप्लीट क्लासेस बाई करके पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद इसकी प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगी, 600 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोस्ट गार्ड की प्राइसेस 900 है, बच्चे दबा के बाई करते हैं, पता है उनको, क्योंकि ए टू जेड स्टडी एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी चीज़ें कम प्राइस में बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। बोलो कि 600 कम है तो आप खुद इमेजिन कर लो, कंपेयर कर लो पूरे यूट्यूब पे, कहीं अगर इतना सस्ता और इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर बताओ मेरे को, क्लेम कर सकते हो, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह अपलोड कर दी जाए।